Hello guys, welcome to the YouTube channel of Dips Academy. Today we'll be discussing a question which was asked in IIT JAM 2023. Basically, question में आपसे पूछा गया था कि limit की क्या value होगी. So, integration और limit को उसने combine करा था. ये बहुत simple है but yet effective question है क्योंकि पीछे एक बार किसी exam में और पूछा गया है. वो famous technique है और हम डिस्कस करते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. एक बार देखो इस लिमिट के बारे में बात करें, ठीक है. तो उससे पहले मैं एक बार सिर्फ इस इंटीग्रेशन को देखूं. अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू को अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहूं तो ये क्या होगी, मैं इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूं, ठीक है. आपको ये समझ में आ रहा है कि बाहर जो एन है वैसा ही एन आपको एक्स की पावर में भी लिखा हुआ है, राइट. एक्स की पावर एन, तो इसका कुछ यूज किया जा सकता है. एक बार देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0 to 1 एन एक्स की पावर एन ओवर x प्लस 1, इजी, क्योंकि इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में है तो n को तो मैं अंदर लेके जा सकता हूं इंटीग्रेशन के, राइट. अच्छा, अब इसको ना थोड़ा स्प्लिट करो. अगर तुम ये देखो 0 टू 1 n x की पावर n माइनस 1 और एक मल्टीप्लाई में x, बेसिकली मैंने x की पावर n को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, राइट. अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, कोई इशू नहीं है, राइट. एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो टर्म मैंने लिखी हुई है, ये वाली टर्म, ये टर्म किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होती है और वो वेल नोन फंक्शन x की पावर n, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1 जो कि लिखा हुआ है, ठीक है. इस चीज का हम यूज करते हैं और देखते हैं कैसे किया जा सकता है. इसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर देते हैं. अब ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तो एक काम करते हैं हम बेसिकली इसको लिख लेता हूं एक बार मैं, फिर आपको बताता हूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं. मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n और यहां लिखा हुआ है x बाय x प्लस 1 और dx, राइट. अब इसको आप बाई पार्ट इंटीग्रेट कर दो. क्या करोगे, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा x की पावर n, जो फंक्शन बचा है उसको एज इट इज रखो, क्या होगा x बाय x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 और आपका जो फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया था वो इंटीग्रेशन एज इट इज यहां पे लिखो और जो फंक्शन बच गया था उस फंक्शन का क्या करो, डेरिवेटिव. अच्छा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक बार असाइनमेंट करके देख लेते हैं और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है. तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 1 बाय दिस टर्म, राइट. तो आपका जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर या फिर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों की बात है, राइट. ये चीज हो जाएंगी और यहाँ पे आपको अगर इंटीग्रेट किया आपने तो आपको लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी 0 to 1, ये वैल्यू हो जाएंगी, राइट. अब देखते हैं कि इसको कैसे फिगर आउट किया सकता है, आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस क्वांटिटी है, इसको तो हम वो वैल्यूज पुट करके डील कर लेंगे, बट ये इंटीग्रेशन है स्टिल हमें इसका पता नहीं है, राइट. ठीक है, देखते हैं एक बार. अच्छा, बाय द वे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है जब यहाँ 1 पुट करोगे तो दैट विल बी 1/2 और जब 0 पुट करोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगा ना, और ये बचेगा माइनस ऑफ 0 to 1 एक्स की पावर एन ओवर 1 + x का स्क्वायर और dx. इस क्वांटिटी को आप i2 बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, है ना. एक काम करते हैं, इसको ये बोल देते हैं, ये हो गया 1/2 माइनस i और i को हम डील करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है. इसको एक बार ध्यान से देखना, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो i की जो वैल्यू है, i की वैल्यू जो हमें मिली यहां से, i की वैल्यू हमें मिली 0 टू 1 एक्स की पावर एन और 1 + x का स्क्वायर इंटू dx. ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमें जो स्टार्टिंग में गिवन था ना वो 1 + x था, ये देखो डिनोमिनेटर में जो गिवन था 1 + x था, लेकिन जब अब हम i2 तक पहुंच गए हैं, अब यहां पे 1 + x का स्क्वायर गिवन है, ठीक है. देखते हैं इसको कैसे, इसका क्या यूज करना है हमें. एक बात ध्यान देने वाली है कि 0 to 1 में x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो x की पावर n भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 1 + x का स्क्वायर अगर उससे डिवाइड भी कर दो तो भी पॉजिटिव रहेगा. यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो 0 से बड़ा रहेगा क्या, x की पावर n और 1 + x का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज इससे बड़ी रहेगी. और अगर आप रिलेशन देखना चाहो x की पावर n में और x की पावर n बाय 1 + x के स्क्वायर में, इसमें अगर आप रिलेशन देखना चाहो तो ऑब्वियसली आपने इस क्वांटिटी x की पावर n को किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रखा है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो रिलेशन कुछ ऐसा होगा, राइट. तो ये रिलेशन मैं क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं. तो इस रिलेशन को मैं यूज करूं अगर, तो ये लेस देन होगा x की पावर n से, कोई इशू नहीं है. अब
अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है तो अगर मैं इंटीग्रेशन भी कर दूं तो स्टिल ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, तो ये होगा जीरो लेस देन इंटीग्रेशन जीरो टू वन में इंटीग्रेट कर रहा हूं एक्स की पावर एन वन प्लस एक्स का स्क्वायर और डीएक्स, और यहां से जीरो टू वन एक्स की पावर एन डीएक्स, ये इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास। अच्छा बाय द वे ये तो वैल्यू आई टू की है ना, तो यहां लिख लेते हैं इसको क्या है, ये जीरो लेस देन आई टू इज लेस देन, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और लिमिट आ जाएगी जीरो से वन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो लेस देन आई टू लेस देन वन बाय एन प्लस वन, क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे तो है ना। और एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी आई टू को देखो ना कहां जाएगा, राइट टर्म जा रही है जीरो को, लेफ्ट टर्म है जीरो, तो आई टू कहां अप्रोच करेगा जीरो को, साइंटिफिक थ्योरम, तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी आई टू विल टेंस टू जीरो डेफिनेटली, क्लियर। अच्छा यहां से आई टू जीरो को चला गया, अब वापस आते हैं, तो हमने क्या देखा था यहां से, ये वैल्यू आई थी वन बाय टू माइनस आई, अच्छा हमने वहां पे इंडेक्स आई टू यूज कर लिया बट वो आई ही है ना, यहाँ पे आई टू की जगह हमेशा आई रहेगा, हम आई की बात कर रहे हैं ना, तो आई कहाँ टेंड करेगा, आई टेंड करेगा जीरो को। अब एक काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ये क्या है, हाफ माइनस आई लिखा हुआ है, और आपने पूछा गया आपको, आपको पूछा गया है लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू है वो ये आई है, तो जब यहां लिमिट लगाओगे, जब तुम यहां लिमिट लगाओगे क्या आएगा, ये जो इसकी जो वैल्यू है आएगी लिमिट हाफ माइनस आई एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब हाफ कॉन्स्टेंट है और आपने देखा कि आई की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, वो जीरो को अप्रोच कर रही है, तो ओवरऑल ये वैल्यू कहां जाएगी, वन बाय टू को, राइट। तो और इसको अगर न्यूमेरिकली तुम देखोगे इसका आंसर आ जाएगा 0.5 या फिर 0.50, एक ही बात है राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था और पहले भी यूज किया जा चुका है। आई होप यू लाइक द वीडियो।